हम हरे चने का निमोना सर्व करने के लिए बिल्कुल रेडी है कि रसोई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे हरे चने का निमोना। निमोना तो आपने कई चीज़ों का खाया होगा, मटर आदि का, और लेकिन सीजन में आप जो ओरिजिनल टेस्ट आता है निमोने का, वो चने के साथ में ही आता है। हरे चने का निमोना ही मूल रूप से ये ट्रेडिशनल रेसिपी है। और फ्रेंड्स, हरे चने का निमोना खाने में बहुत ही स्वादिष्ट, बहुत ही यमी, बहुत ही डिफरेंट सा इसका टेस्ट रहता है। ये यूपी, बिहार, एमपी आदि का बहुत ही प्रसिद्ध और बहुत ही ट्रेडिशनल खाना है। फ्रेंड्स, इसको मैंने बहुत ही टिप्स और ट्रिक्स के साथ में बनाया। देख रहे होंगे आप कि कितना ग्रीन ग्रीन सा ये दिख रहा हुआ है, जबकि मैंने इसका बहुत ज़्यादा भुना हुआ है। वो जब तक अच्छी तरह से भुना नहीं जाता, तब तक इसका टेस्ट बहुत ही बढ़िया नहीं आता। तो आइए इसको देखते हैं, इसको कैसे बनाते हैं। हरे चने के निमोना बनाने के लिए हमको सबसे पहले आवश्यकता होगी हरे चने की। ये मैंने छील करके रख लिए हैं, ये 250 ग्राम चने हैं छिले हुए, और इसको मैंने पानी में भिगो दिया है और दो तीन पानी से अच्छी तरह से धो भी लिया है ताकि साफ हो जाएगा। अब बस इसको सबसे पहले हम क्या करेंगे कि मिक्सी में थोड़ा सा हल्का दरदरा सा पेस्ट बनाएंगे। और इसी के साथ ही मैंने दो आलू लिए हुए हैं मीडियम साइज़ के, इनको छील करके धो करके और अच्छे छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया है। इस पेस्ट को मैंने इस तरह से पीसा हुआ है, पानी का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं किया हुआ, और मैंने दरदरा पेस्ट रेडी कर लिया है। अब हमने कढ़ाई को चढ़ा दिया है, उसमें दो टेबल स्पून डाला है मस्टर्ड ऑयल। चने का निमोना मस्टर्ड ऑयल में ही एक अलग सा फ्लेवर आता है। आप चाहें तो किसी भी कुकिंग ऑयल में भी बना सकते हैं। इनमें भिगे हुए आलू थे, इनको थोड़ा सा भूनेंगे ताकि चिटकिटा रहे हैं, चला देंगे, ऑन हो जाएंगे। दो तीन मिनट इसी तरह से चलाते हुए इनको सोंधे सोंधे हल्के हल्के से ब्राउन होने तक भूनेंगे। देखिए, बिल्कुल सोंधे सोंधे हल्के ब्राउन हो गए हैं आलू, और बहुत ही सोंधी सोंधी खुशबू आ रही है। इसको निकाल लेते हैं सबको, और जो तेल बचा है उसी में ही हम जो हरे चने का पेस्ट है उसको भूनेंगे। 1/4 चम्मच जीरा, जीरा थोड़ा तड़कने लगेगा, गैस की फ्लेम लो ही रखेंगे, और साथ में डालेंगे एक पिंच हींग। हींग से इसकी खुशबू और स्वाद बहुत ही बढ़िया आता है, और इसमें इसको डाल देंगे और हींग पक जाएगी, और बराबर चलाएंगे पेस्ट को, सबको ही इसी में डाल देंगे। ये पेस्ट मैंने डाल दिया है उसी बचे हुए तेल में, और धीमी धीमी आंच में हम इसको कम से कम 7 मिनट तक भूनेंगे। भूनी से खुशबू आ रही है, और इस समय अब हम इसको निकाल लेंगे इसी आलू वाली प्लेट में, इसको निकाल लेंगे और फिर इसी में इसकी ग्रेवी तैयार करेंगे। कढ़ाई में अब हम ग्रेवी के लिए डालेंगे 2 टेबल स्पून मस्टर्ड ऑयल। इस तेल हमारा गर्म हो गया है, और अब मैंने लिए हुए हैं 2 मीडियम साइज़ की प्याज, 2 हरी मिर्च। हरी मिर्च आप आवश्यकता अनुसार कम या ज़्यादा कर सकते हैं। 8-7 कलियां लहसुन की, और थोड़ी सी अदरक का टुकड़ा लिया हुआ है। इसको ऐसे रफली चॉप करके मैंने मिक्सर में एक फाइन पेस्ट इसका बना लिया है इस तरह से। अब हम डाल देंगे तेल में 1/2 चम्मच ज़ीरा। ज़ीरा तड़कने लगे हैं, अब हम इसमें डाल देंगे ये मसाला, और इसको बराबर चलाएंगे। गैस की फ्लेम को हाई से मीडियम ही रखेंगे। प्याज लहसुन का पेस्ट थोड़ा सा भुन गया है। अब 1 टीस्पून धनिया पाउडर, 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर। हल्दी का प्रयोग बहुत ही कम करेंगे ताकि जो निमोना बनेगा वो ग्रीन ग्रीन सा दिखाई दे। और 1/4 चम्मच ही मैं लाल मिर्च पाउडर डालूंगी। आप इसको अकॉर्डिंग टू टेस्ट कम ज़्यादा भी कर सकते हैं, क्योंकि 2 हरी मिर्च हमने ऑलरेडी उसमें पीसी हुई थी मसाले में। लेकिन ये सब्ज़ी कुछ तीखी तीखी सी ही खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है। हरे चने का निमोना जो बनता है,
इसका टेस्ट बहुत ही यमी और बहुत ही डिफरेंट होता है, और कुछ मैं डिफरेंट तरीके से बना भी रहूँगी, तो आप एक बार इस तरह से ट्राई करेंगे तो आप देखिएगा आपको निमोना खाना का स्वाद कभी भूल भी नहीं पाएंगे। मसाले काफ़ी कुछ भुन गए हैं, भुनी भुनी सी खुशबू आ रही है। अब हम डालेंगे इसमें और हरे चने का पेस्ट, इसको इसी में डालेंगे ताकि जो इसका आपने देखा होगा मैंने बहुत कम तेल का यूज़ किया हुआ है, सफिशियंट है। बहुत ज़्यादा तेल से कोई सब्ज़ी बहुत अच्छी नहीं बनेगी। अब इसको भूनने से ये होगा कि जो आलू का जो तेल है और चने का जो तेल है वो सब हम धीमी आंच में भून देंगे और तो उसका तेल भी इसी में सब एब्जॉर्ब करेगा। और देखिए अच्छी तरह से भुन गए हैं, और आलू तो पहले ही से भुने हुए थे, हरे चने का पेस्ट पहले ही से बना हुआ था। अब मैं बिल्कुल एक स्पेशल सी चीज़ डालूँगी उसमें जिससे बहुत अच्छा कलर सुगंध बहुत ही बढ़िया आएगी, वो है धनिया की पत्ती। इसको मैंने पेस्ट बना के डाला है, काट के तो डालूँगी ही ऊपर से, लेकिन इसका जो पेस्ट डालेंगे वो बहुत ही बढ़िया टेस्ट आएगा और निमोना भी ग्रीन ग्रीन दिखाई देगा। देखिए आपको ग्रीन ग्रीन सा दिखाई दे रहा है, और अभी तक मैंने नमक का प्रयोग नहीं किया, तो अब हम इसमें डालेंगे हाफ टी स्पून नमक, और इसको नमक के साथ में ये धनिया की पत्ती का जो पेस्ट है उसको एक मिनट तक और भी भूनेंगे। देखिए भुन गया है, अब हम इसमें डाल देंगे पानी, इस तरह से हिला के पानी डाला है मैंने। कुल टोटल हमने 2 गिलास पानी का यूज़ किया है, और सबको चला देंगे और गैस की फ्लेम को कर देंगे हाई, और थोड़ा सा वेट करेंगे कि खोल आ जाए, और फिर उसके बाद गैस को धीमी करके कम से कम 7 से 8 मिनट तक धीमी आंच में पकाऊंगी। देखिए इसमें अच्छी तरह से उबाला आने लगा है, और आप देख रहे होंगे कितना ग्रीन ग्रीन दिख रहा है। फ्रेंड्स मैंने मटर का निमोने की भी रेसिपी डाली हुई है, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर आप देख सकते हैं। देखिए पकते हुए 7 मिनट से ऊपर ही हो गया है, धीमी आंच में पक रहा है, और देख रहे होंगे आप इसका जो रसा है शोरबा कितना गाढ़ा सा हो गया है, आलू बिल्कुल पक गए हैं। फ्रेंड्स आप देख रहे होंगे कि मैंने ना इसमें कश्मीरी मिर्च का प्रयोग किया ना टमाटर का प्रयोग किया, इसलिए ग्रीन ग्रीन इसका पूरा ये ग्रेवी है, और खाने में बहुत ही टेस्टी होगी, क्योंकि अगर हम इसमें टमाटर आदि जो डाल देंगे तो जो ओरिजिनल हरे चने का टेस्ट है वो उससे डिफरेंट हो जाता है। तो फ्रेंड देखिए कितना सुंदर और कितना यमी, बहुत ही खाने में बिल्कुल स्पेशल सा इसका टेस्ट लगेगा। फ्रेंड्स बस अब हम गैस की फ्लेम को कर देंगे बंद, इसमें धनिया की पत्ती भी ऊपर से डालने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि हमने धनिया की पत्ती का पेस्ट तो ऑलरेडी ही डाल चुके हैं, तो आप चाहें तो डालें। हम इस किसी को बर्तन में पलट लेंगे और गर्मा गर्म सर्व करेंगे। फ्रेंड्स गर्मा गर्म हरे चने का निमोना सर्व करने के लिए बिल्कुल रेडी है। आपने देखा मैंने कितनी स्पेशल तरीके से इसको बनाया हुआ है, और बहुत कुछ टिप्स और ट्रिक्स के साथ पे इसको बनाया हुआ है, इसलिए इसका स्वाद बहुत ही बेहतरीन बहुत ही यमी है। फ्रेंड्स आप हमारी अगर ये रेसिपी पसंद आई हो तो अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें, और कमेंट बॉक्स पर आपके आंसर का हमको इंतज़ार रहेगा। फ्रेंड्स अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ पहले चैनल को सब्सक्राइब करें।